हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम लोग केस कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने क्लासिफिकेशन बताया था कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आपकी फोर कैटेगरीज होती हैं। पहला आपका डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, सेकंड वन आपका केस कंट्रोल स्टेटमेंट, थर्ड वन आपका लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड फोर्थ वन आपका जंप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है केस कंट्रोल स्टेटमेंट की। नाम से रिप्रेजेंट कर रहा है केस काइंड ऑफ थिंग। तो केसेस एग्जैक्टली क्या होते हैं? केस कंट्रोल, देखो यार, किसी चीज़ को कंट्रोल करना थ्रू केसेस। तो एग्जैक्टली केसेस हैं क्या, या ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, वो मैं आपको सारी सिचुएशंस बताने वाला हूँ। जैसे अगर डिसीजन मेकिंग की बात कहें कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोग वहाँ यूज़ करते थे जब आपको डिसीजन लेनी थी, पढ़ती थी किसी कंडीशन के बेसिस पे। ये बात समझ में आ रही है? केस कंट्रोल स्टेटमेंट वो होते हैं, जैसे मान लो कि आपका रियल लाइफ का स्विच बोर्ड, जहाँ आप लोगों को बहुत सारे स्विचेस दिए होते हैं। स्विचेस में से कोई, अगर आपको फ़ैन ऑन करना हो तो इतने सारे स्विचेस में से कोई एक फ़ैन, कोई एक स्विच ऑन या ऑफ करना पड़ेगा। तो उस तरीके के इम्प्लीमेंटेशन को आप लोग क्या यूज़ करते हो? स्विच। ऐसे ही जैसे आप लोग अगर लिफ्ट यूज़ करते हैं तो आपको जिस फ्लोर पर जाना है कोई एक बटन प्रेस करते हैं। तो अमॉन्ग सो मैनी ऑप्शंस वी हैव टू चूज़न ओनली वन ऑप्शन। तो इसलिए सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। इसका ओरिजिनल नाम है स्विच स्टेटमेंट। क्या नाम है? इसके अंदर एक ही कैटेगरी आती है, जो उसे बोलते हैं आप लोग स्विच स्टेटमेंट। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सबसे पहले मैं आपका सिंटेक्स बता रहा हूं। सिंटेक्स के बाद एक एग्जांपल लेंगे और पूरे टॉपिक को हम लोग क्लियर करने वाले। तो एक बात बताओ, सिंटेक्स कुछ ऐसा रहता है, ध्यान से देखेंगे। जैसे पहली चीज यह है कि इसका जो कीवर्ड है, रिजर्व्ड कीवर्ड है, वो है स्विच। ब्रैकेट, ब्रैकेट में आप लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं। मैंने आप लोगों को चीज बताई कि एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई भी ऑपरेंड्स और ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट, या फिर सिर्फ यहां एक सिंगल ऑपरेंड भी आ सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, एक्सप्रेशन में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ठीक। उसके अलावा कैसा सिंटैक्स होता है, आप लोग लिखते हैं केस। ध्यान देना, केस के बाद स्पेस रहेगा, इसके बाद वैल्यू। अब वो वैल्यू क्या हो सकती है, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। वैल्यू वन ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ कोलन आएगा। क्या आएगा? कोलन। ठीक, ये वैल्यू जस्ट अ टेम्पलेट। वैल्यू की जगह आप लोग 1 2 3 4 भी लिख सकते हो, वैल्यू की जगह आप लोग ए बी सी भी लिख सकते हो, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इसका ब्लॉक होगा। मैंने इसका सिंटैक्स में लिखा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज नथिंग इज योर प्रिंट ऑफ एंड स्कैन ऑफ। ठीक है, या फिर कोई भी स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो जो आपको नीडेड है। उसके साथ ही एक और कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है ब्रेक। तो ब्रेक क्यों यूज़ होता है, वो भी आप लोगों को समझाऊंगा। एक केस हो गया अलाइनमेंट तरीके से, सेकेंड केस लिखोगे आप लोग। देन वैल्यू टू ऑलवेज रिमेंबर, कोलन, और उसकी जो बॉडी स्टेटमेंट उन पर सेमी कॉलन। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, हाँ जी, फिर से ब्रेक। ब्रेक का यूज में अभी आप लोगों को यूज करते टाइम बताऊंगा। वैल्यू थ्री, ये जो मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, दीज आर नथिंग जस्ट अ टेम्पलेट, और कुछ नहीं है। कोलन, ओके। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ब्लॉक का मतलब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, आपका ब्रेक। और इसी तरीके से ये चलता जाएगा। और ऑलवेज रिमेंबर, एक क्लास जो रिजर्व्ड होता है, मतलब जैसे जैसे आप लोग कंडीशंस होते थे कि ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई तो ये बाकी नहीं होंगे, कुछ इसी तरीके से होने वाला है। अगर कोई भी केस ट्रू नहीं होगा, या कोई भी केस सक्सेसफुल नहीं होगा, तो एक होता है डिफॉल्ट केस। उसके लिए रिजर्व्ड कीवर्ड है डिफॉल्ट, और उसमें कोलन लगे होते हैं, और इसमें बोलते हैं डिफॉल्ट ब्लॉक ऑफ कोड। डिफॉल्ट ब्लॉक ऑफ कोड, और इस तरीके से आपका स्विच कंप्लीट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपका यहाँ से स्विच ओपन होगा और यहाँ क्लोज होगा। स्विच का मतलब क्या, देखो यार, एग्जैक्टली होता ये कि यहाँ एक्सप्रेशन में कुछ वैल्यू हो गया, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी का एनीथिंग, या ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन, एनीथिंग पॉसिबल। तो जो एक्सप्रेशन होता हो, उसकी वैल्यू हम लोग वैल्यू से मैच कराते हैं, जो भी वैल्यूज हैं। केसेस के आगे वैल्यू लिखी,
तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जिस वैल्यू से मैच कर जाती है वही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो जाता है, ये इसका मेन होता है। तो सिलेक्शन क्या हुआ, बहुत सारे केसेस हैं उसमें से कोई एक ही वैल्यू मैच करने वाली है तो वही हम लोग सेलेक्ट कर देंगे, इसलिए इसे सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली, एक प्रोग्राम की हेल्प से इस पूरे स्विच कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। हमारा टारगेट ये है कि हम लोगों को कैलकुलेटर की कोई 5 फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करनी है यूजिंग स्विच। मतलब जैसे कोई अगर मैं 1 प्रेस करूं तो एडिशन हो जाए, 2 प्रेस करूं तो सब्ट्रैक्शन हो जाए, 3 प्रेस करूं तो डिवीजन हो जाए, 4 प्रेस करूं तो मॉड वैल्यू कैलकुलेट हो जाए क्या होके आ जाए, या फिर 5 प्रेस करूं तो डिवीजन हो जाए, कुछ इस तरीके से। उसके अलावा कुछ भी प्रिंट करूं तो लिख के आए यू एंटर्ड अ रॉन्ग चॉइस, मीन्स आपके पास एक कैलकुलेटर जिसमें 5 ही ऑप्शंस हैं, उन 5 में से आपको कोई एक चूज करना है। तो एक बात बताओ इसे कैसे करेंगे। तो अगेन ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा शुरुआत कहाँ से होती है, आपकी हमेशा शुरुआत होती है हेडर फाइल से किसी भी प्रोग्राम की। तो सपोज दैट आप लोग हेडर फाइल्स लिख लोगे, उसके बाद आप लोग लिखोगे वॉइड मेन। ठीक, मैं बेसिक काम कर रहा हूँ पहले। वॉइड मेन लिखने के बाद एक बात बताओ, मान लो आपको 2 नंबर लिए, 2 नंबर इन नंबर पे आपको एडिशन परफॉर्म करना है, ए और बी पे ऐड परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है और डिवीजन परफॉर्म करना है। ठीक है, मान लो 4 ही ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इसके अलावा और किसकी ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान से सुनो भाई, आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, तो कोई चॉइस तो इनपुट हुक करनी पड़ेगी ना। तो वो चॉइस की वैल्यू आपकी इंटीजर होगी। मैंने एक और वैल्यू ले लिया इंट चॉइस, धीरे धीरे समझ में आएगा चीज़ें, अभी आप लोग समझो। तो सबसे पहले एक बात बताओ, सबसे पहले क्या होने वाला है, जो भी वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए इन सारे वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ए के लिए मेमोरी, बी के लिए मेमोरी, ऐड के लिए मेमोरी, सब के लिए मेमोरी, मल के लिए वेरिएबल और डिव के लिए मेमोरी। ठीक है, और यहाँ आपकी चॉइस के लिए भी वेरिएबल। तो मैं सबके नाम लिख देता हूँ, ए बी ऐड सब मल डिव। मैं इनकी एड्रेसिंग नहीं कर रहा हूँ और ये आपका चॉइस है। ठीक है, एड्रेसिंग भी पॉसिबल है। चलो एड्रेसिंग कर लेते हैं, ये 100 एड्रेस पे, ये 200 पे, ये 300 पे, ये 400 पे, ये 500 पे, ये 600 पे। ठीक है, तो एक बात बताओ, आपको 2 नंबर का एडिशन निकालना है, सब्ट्रैक्शन निकालना है, तो आप लोग ये प्रोग्राम अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में पढ़ा था, उसी प्रोग्राम को एज इट इज़ आपको यूजिंग स्विच करना है। तो स्विच कितना आसानी कर देगा आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहले स्विच का इंप्लीमेंटेशन सीखो। देखो सबसे पहले तो बेसिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिक में क्या होगा, आप ए और बी की वैल्यू यूजर से इनपुट करवाओगे पहले, जिन पे आपको सारे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी। ठीक, अब जब कीबोर्ड यूजर निकालेगा तो क्या करेगा, 2 नंबर्स प्रेस करेगा, उन 2 नंबर्स को रिसीव कौन करेगा, स्कैन ऑफ दोनों ही वेरिएबल ए और बी किस टाइप में, फ्लोट टाइप के, तो परसेंटाइल एफ, परसेंटाइल एफ। ठीक है, और पहला वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, पहला नंबर एड्रेस ऑफ ए, दूसरा नंबर एड्रेस ऑफ ए। मान लो जो 2 नंबर उसने इनपुट किए वो इनपुट किए 5 और 2, इन स्टोर हो गए। ठीक, अब आपको एक काम कराना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, ये इम्पॉर्टेंट है सबसे, कि प्रिंट एफ आप यूज़र से कहोगे एंटर एनी चॉइस। एंटर एनी चॉइस का मतलब अगर वो 1 प्रेस करे, क्योंकि मैंने इंटीजर टाइप की चॉइस करी तो इंटीजर नंबर ही डालेगा, 1 प्रेस करे तो एडिशन हो जाए, 2 प्रेस करे तो सब्ट्रैक्शन हो जाए, 3 प्रेस करे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाए, 4 प्रेस करे तो डिवीजन हो जाए, उसके अलावा कुछ भी प्रेस करे तो लिख के आए यू एंटर्ड अ रॉन्ग चॉइस। तो सबसे पहले आप यूजर से चॉइस करवाओ, प्लीज एंटर योर चॉइस। बस समझ में आ रही, ठीक, एंटर योर चॉइस के बाद आप लोग अगेन स्कैन एफ लगाओगे, ये किस टाइप का, परसेंटाइल डी, और आप किस वेरिएबल में चॉइस इनपुट करोगे, चॉइस। तो ये जो चॉइस वेरिएबल में 1, 2, 3, 4 जो भी नंबर इंटीजर टाइप का डालेगा वो कहाँ स्टोर होगा, यहाँ स्टोर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, अब मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं स्विच को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वही इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा कि स्विच
और स्विच के ब्रेसेस में लिखा होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज नथिंग, जो आप यूजर से वैल्यू इनपुट करा रहे हो वो, तो एक्सप्रेशन की जगह आएगा चॉइस, क्योंकि स्विच क्या रिसीव करेगा, चॉइस। मतलब स्विच के अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, चॉइस इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक बात, तो सबसे पहले आप लोग ऐसे केसेस बनाओगे, केस जो वहां पर सिंटैक्स में लिखा था वैल्यू वन, तो वो चॉइस की पॉसिबिलिटी पहली क्या हो सकती है, वन कोलन। और केस वन के अंदर मैं ये चाहता था कि अगर अगर वो वन प्रेस करे तो क्या हो जाए, एडिशन हो जाए, एम आई राइट। तो एडिशन करने के लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना रहेगा, तो मैंने ऐड के लिए जो रिजल्टेंट है ऐड में स्टोर कराना, मैं लिखा ऐड इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस बी, ठीक है। जिन दो नंबर का आप वन प्रेस करते ही ऐड और एक और ब्रेक कीवर्ड लगा रहे हैं, या फिर चलो पहले इसकी वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एफ द एडिशन इज परसेंटाइल डी, या एडिशन किस टाइप का ले रखा, परसेंटाइल एफ, फ्लो टाइप का, इसलिए परसेंटाइल एफ एफ। और किसकी वैल्यू आप प्रिंट कराओगे, ऐड के, क्योंकि ऐड ही रिसीव कर रहा है, एक कीवर्ड लगा रहे हैं हम ब्रेक, तो ब्रेक का क्या है अभी कुछ देर बताऊंगा। पहला केस बन गया, टोटल कितने केस बनाने रहेंगे, चार केस बनाने रहेंगे। केस स्पेस टू कॉलम, दूसरे में क्या हो, अगर वो जो वैल्यू है वो चॉइस की वैल्यू टू हो, तो टू इस टेम्पलेट टू से मैच करेगा, तो क्या हो, सब्ट्रैक्शन हो जाए, सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू ए माइनस बी, ठीक है। प्रिंट एफ, इसकी वैल्यू प्रिंट करा दो तुम लोग कि द सब्ट्रैक्शन इज परसेंटाइल एफ, और सब, ये बात समझ में आ रही है, ठीक। उसके बाद आप लोग ध्यान से समझे, एक और केस बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने फोर फंक्शंस इंक्लूड करें, केस फोर, अगर वो थ्री प्रिंट करे तो क्या हो जाए, मल्टीप्लीकेशन आ जाए, मल इक्वल्स टू ए इन टू बी, प्रिंट एफ द मल्टीप्लीकेशन इज किस टाइप का, परसेंटाइल एफ टाइप का, क्या प्रिंट कराओगे, मल प्रिंट कराओगे। डोंट वरी, अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो चीजें सारी समझ में आएंगी। नेक्स्ट केस, केस फोर में क्या हो जाए, डिवीजन हो जाए, डिव इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई बी, प्रिंट एफ द डिवीजन इज डे। उसके अलावा ध्यान से सुनो, चार केस जितने आपकी फंक्शनैलिटी हो, ऐसा भी तो हो सकता है 1 2 3 4 के अलावा वो कोई और नंबर इनपुट कर रहा है, तो उसके लिए आप लोग डिफॉल्ट केस बनाओगे, डिफॉल्ट वर्ड के लिए रिजर्व्ड कीवर्ड है डिफॉल्ट, और उसके अंदर डायरेक्ट प्रिंट ऑफ मैसेज डालो, यू एंटर्ड अ रॉन्ग चॉइस, यू एंटर्ड अ रॉन्ग चॉइस, ठीक। और यहाँ आपका स्विच क्लोज कर दो, तो मेरा कहने का मतलब अगर स्विच यहाँ से स्टोर हुआ है तो स्विच यहाँ क्लोज होगा, उसके अलावा आप गेट सी एच लगाओगे, और गेट सी एच लगाने के बाद आपका मेन क्लोज कर दोगे, मेन भी मैंने नीचे क्लोज किया। अब इस पूरे प्रोग्राम को समझते हैं, ध्यान से देखो कैसे ये एग्जीक्यूट होने वाला, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यार, जैसे एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू उसने 5 और 2 इनपुट करा रखी है, ठीक है। आपने चॉइस की वैल्यू इनपुट की 1, तो ध्यान से सुनना कैसे एग्जीक्यूट होगा, 1 तो चॉइस में क्या जाएगा, यहाँ पर 1 पास होगा, जब 1 पास होगा तो ये जो चॉइस की वैल्यू है ये केस के हर एक टेम्पलेट से, हर एक वैल्यू से मैच होगी, तो 1 इज मैच विद 1, अगर 1 इज मैच विद 1 तो इसके अंदर का जो भी कंटेंट लिखा हुआ है इस ब्लॉक के अंदर वह एग्जीक्यूट होगा। तो ए की वैल्यू है 5, वी की वैल्यू है 2, 2 प्लस 5 7, 7 कहाँ स्टोर होगा, ऐड में, तो 7 इज स्टोर होगी यहाँ पर ऐड में, चूंकि ये मेमोरी में लिखा हुआ है तो इसे हमें प्रिंट कराना पड़ेगा, प्रिंट एफ। हमेशा ध्यान दो, प्रिंट एफ का तरीका ये है, जो भी स्टेटमेंट लिखा होता है वो एज इट इज होता है, द एडिशन इज ऐसे ही स्क्रीन पे लिख के आएगा, और परसेंटाइल एफ की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी ऐड से, तो ऐड की वैल्यू से मैं क्या है 7, तो लिख के आएगा द एडिशन इज 7। अब खास बात यह है ब्रेक कीवर्ड, ठीक, जो ब्रेक कीवर्ड होता है वो हम लोग वैसे डिटेल में जंप कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर पढ़ेंगे, बट इसका काम होता है जंप,
जंप का मतलब ये होता है जैसे ही कंपाइलर ब्रेक को पढ़ता है तो कंपाइलर का काम ये होता है कि वो जिस भी ब्लॉक के अंदर हो, जितने भी ब्लॉक्स के अंदर हो, उससे जंप मार के वो बाहर चला जाता है। खाक खत्म। मतलब जैसे मान लो कि ब्रेक का मतलब ये है कि ब्रेक बस हो गया यहीं तक, और उसके बाद जैसे स्विच के अंदर है, मेन के अंदर, तो वो डायरेक्ट ब्लॉक से बाहर हो जाएगा, स्विच से बाहर हो जाएगा एक तरीके से। स्विच स्विच के अंदर है, जिस ब्लॉक के अंदर होता है उस ब्लॉक से बाहर हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी। बाहर हुआ तो बाहर होने का मतलब हमने जंप मार के बाहर चलेगा तो आगे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं यहाँ ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो अगर केस वन एग्जीक्यूट हुआ तो ब्रेक ना लगने के साथ वो मैच वैच कुछ नहीं करेगा, केस टू भी एग्जीक्यूट कराएगा। जैसे मैंने यहाँ ब्रेक नहीं लगाया तो केस थ्री भी एग्जीक्यूट कराया। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हर स्टेटमेंट में ध्यान से सुनना, यहाँ ब्रेक लग, अच्छा चलो मैं एक काम कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, चॉइस की वैल्यू टू डाली मान लो, ठीक है, तो सीक्वेंसली मैच करेगा। क्या वन इस मैच कर रहा है टू से? नहीं कर रहा है तो ये केस वन एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्या टू मैच कर रहा है टू से? यस मैच कर रहा है, तो वो सब्ट्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके ए माइनस बी, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 कैलकुलेट हो जाएगा, और द सब्ट्रैक्शन इज, ये वैल्यू हो जाएगी सर, सब्ट्रैक्शन इज 3। 3 के बाद पता है मैंने यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाया तो पता है केस 3 भी एग्जीक्यूट होगा, यहाँ भी ब्रेक नहीं लगा, केस 4 भी एग्जीक्यूट होगा, तो डायरेक्टली सारा कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा सारे स्टेटमेंट। तो अगर हम लोगों को सेलेक्शन स्टेटमेंट परफॉर्म करना है, मीन्स कोई एक स्टेटमेंट, एक केस सेलेक्ट करना है, तो हर एक केस के बाद आप लोग क्या लगाओगे? ब्रेक। ब्रेक मस्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एक कोई चॉइस सेलेक्ट करो, उसे दो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, तो वहां से ब्रेक हटा दो। ब्रेक, ब्रेक। अगर मैं यहां भी ब्रेक ना लगाऊं ना, तो डिवीजन तो कैलकुलेट होगा, फिर लेके आएगा यू एंटर्ड अ रॉन्ग चॉइस। मान लो मैंने चॉइस इनपुट की 20, 20 मैच करेगा 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, तो क्या लेके आएगा? यू एंटर्ड अ रॉन्ग चॉइस। दिस इज द वे हाउ योर स्विच स्टेटमेंट्स वर्क्स। सो सिंपल है। अच्छा एक बात है, इससे आप लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मान लो कि आपको आपको वीक डेज प्रिंट कर रहे हैं, तो वीक डेज प्रिंट करने के लिए सोचो कितने केस बनेंगे? 7 केस बनेंगे। केस वन, तो प्रिंट अप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 7 केस, और एक डिफॉल्ट केस भी लिखा है, उसमें लिखोगे अगर उसने 8, 9, 10 100 वैल्यू डाल दी, उसमें लिखोगे यू एंटर्ड अ रॉक वीक डे नंबर। इसी तरीके से आप लोग मंथ्स नेम प्रिंट करा सकते हो घर से। मंथ्स नेम का मतलब कितने केस बनेंगे? 12 केस, और 13वां डिफॉल्ट केस जिसमें लिखोगे यू एंटर्ड अ रॉन्ग मंथ नंबर। जैसे अगर यूजर मंथ नंबर डाले तो मंथ उसका रेस्पेक्ट में मंथ नेम प्रिंट हो जाए। बहुत ईजी सा प्रोग्राम है, तो ये आप लोगों को प्लीज़ घर से सॉल्व करना। ओके, थैंक यू।